नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। रामगढ़ से मंटू प्रसाद की रिपोर्ट। रामगढ़ कैमूर स्थानीय थाना क्षेत्र के गोड़सारा पोखरे पर मॉर्निंग वॉक के टीम के द्वारा प्रीत भोज कार्यक्रम के आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हर साल के भांति इस साल भी भव्य तरीके से आयोजित की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों का एक साथ जुटान होना साथ है। यह कार्यक्रम अपने आप में काफी अनूठा रहा। इस कार्यक्रम को लेकर 10 दिन पहले से ही तैयारी जोर शोर से चल रही थी। कार्यक्रम सम्पन्न हुई, कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना आदि अन्य विषयों पर चिंतन मंथन किया गया। वही सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम ने कहा कि सामाजिक समरसता इस उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित की गई थी। मौके पर पंकज सिंह, राधेश्याम यादव, सुजीत जयसवाल, संतोष गुप्ता, मुन्ना गुप्ता, सुशील चौधरी, रुपेश चौधरी, अशोक चौधरी, सुधाकर सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, हरिदास शर्मा, सुजीत वर्मा, बबलू जायसवाल, संतोष सिंह, प्रमोद तिवारी, अखिलेश श्रीवास्तव, मोहम्मद अशरफ, आशुतोष सिंह, विजय यादव, भोला सिंह, जयप्रकाश सिंह, बबलू सिंह। मुख्य उद्देश्य है सबको एक साथ मिलना जुलना। यहाँ कोई जात पात नहीं चलती है। राधे भाई यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये हर साल ये सबको एक जगह बुलाकर और ये कार्यक्रम करते रहते हैं, लिट्टी चोखा और खीर का। क्या खास बात है कि भोजन पे जो लिट्टी चोखा का ही प्रबंध रहता है? ये बिहारी भोजन है और ये सबको पसंद आता है, इसलिए यहाँ लिट्टी चोखा और खीर का प्रोग्राम हर साल होता रहता है। और सुबह सुबह हमारे जितने भी हमारे मॉर्निंग वॉक टीम है वो सम्मिलित रहती है। और यहाँ के पंकज जी हैं, सुशील हैं, ये सब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कितने साल से चल रही है? लगभग 4 साल से तो हम देख रहे हैं चल रहा है। इसको लेकर कितने दिन से तैयारियां की जा रही है? तैयारी एक हफ्ता से हो रहा है। जनता के बीच में इसी का संदेश क्या देना चाहते हैं? भाईचारा बनाकर रहें, सबसे मिलजुल कर रहें, कोई जात पात न रहे। वॉकिंग के साथ संतुष्ट तंदुरुस्त भी रहे। मैं डॉक्टर संजय सिंह, मैं भी मॉर्निंग वॉक टीम का एक सदस्य हूँ। कि सुबह उठकर आप जॉगिंग करें और स्वस्थ रहें, इसी यही हमारी टीम की थी। क्या इस खास कार्यक्रम में आज कब से यहाँ आप लगे हुए हैं? हम सुबह से इस सब का व्यवस्था अथी कर रहे थे और इसके बाद शाम हम लोग 4 बजे से इस सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आज इतने लोग आपके हाथों के द्वारा जो है कि भोजन ग्रहण करेंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, लोग दूर दूर से आए हुए हैं, लोग ना खाएंगे मखनी और चोखा लिट्टी।